थाईलैंड से भारत में अपने गैंग को चलाने वाले गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा ने जुर्म के दुनिया से अब तौबा कर लिया है। हालांकि वो इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। हत्या, लूटपाट और डकैती फिरौती जैसे किए गुनाहों से बचने के लिए अब गैंगस्टर काला राणा रहम की भीख मांगने को मजबूर हो चुका है। इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। इस वीडियो में गैंगस्टर काला राणा कान पकड़कर उठा बैठक कर रहा है। वो कहता है कि मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा है। साल 2012 में क्राइम की शुरुआत की, कई बेगुनाहों का कत्ल किया, कई लोगों से फिरौती वसूली, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं एक गंदा आदमी हूँ। हालांकि वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वो कब और कहाँ पर बनाया गया है। आपको बता दें कि काला राणा ने हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी अपने गुनाहों का जाल बिछा रखा था। पुलिस के मुताबिक हरियाणा में कुल उसके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज थे। सबसे ज्यादा यमुनानगर में 19, अंबाला और कुरुक्षेत्र में 4-4 और फतेहाबाद में एक मामला दर्ज है। ये सभी मुकदमे हत्या, छीना झपटी, लूट, हमला करने, रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा, फर्जीवाड़ा जैसी धाराओं में है। आपको बता दें कि काला राणा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास गुर्गा है। साल 2018 में वो जमानत लेकर फर्जी पासपोर्ट पर थाईलैंड भाग गया। वहां बैठकर उसने हत्या, रंगदारी मांगने समेत हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कई वारदातें करवाई। दिल्ली और हरियाणा एसटीएफ को काला राणा के थाईलैंड में होने की जानकारी मिली तो गैंगस्टर राजू बसौदी को 2020 में गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि काला राणा वहां पर मौजूद है। दिल्ली एसटीएफ के इनपुट पर इंटरपोल ने काला को 20 जनवरी को वहां से काबू किया। 28 फरवरी को उसे भारत लाया गया और तब दिल्ली पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। इसके अलावा वो हरियाणा पुलिस का भी इनामी बदमाश था। अंबाला में 20 जनवरी 2022 को छावनी में रिवर साइड स्कूल के पास हुए दोहरे हत्याकांड की साजिश वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर रची थी। इन्हीं दोनों ने वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों को गाड़ी और हथियार उपलब्ध करवाए थे। इसका खुलासा खुद 4 दिन के बाद रिमांड के दौरान काला राणा ने किया था। काला राणा ने सीआईए की पूछताछ में कहा था कि मोहित राणा ने मुश्ताक हत्याकांड में सौदा तय करने के बावजूद उनके खिलाफ गवाही दी थी, इसी के बाद की वजह से वो उसे मारना चाहते थे। इसके अलावा 23 नवंबर 2018 को अंबाला शहर के सर्राफा बाजार स्थित प्यारे लाल राजकुमार जैन के शोरूम में बदमाशों ने सुनील जैन कुमार को गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया था। उसमें भी गैंगस्टर काला राणा का नाम सामने आया था। तो गैंगस्टर काला राणा जो कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मौजूदा वक्त में काम करता था, अब वो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपने किए गए गुनाहों से तौबा कर रहा है।